ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆਯੋਜਿਤ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ ਭਗਵਾ ਯਾਤਰਾ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁੰਦਰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵਾ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਵਾ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਖਿਆ ਬਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਗਵਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ। जो अज सुंदर आश्रम में भगवा यात्रा लैके बैठक की गई थी, उस बैठक के जो सारिया धार्मिक संस्थावां समाजिक संस्थावां बस्ती के प्रमुख और जात बिरादरी के प्रमुख और बाकी सारा समाज हिंदू समाज जो इस भगवा यात्रा हिस्सा लै रहा है, उन्होंने अलग अलग तैयारियां किस तरह दो गई ने और किस तरह अगर होने वाली ने, उनके सारे व्यवस्था की जिम्मेवारी दी गई है ताकि इस भगवा यात्रा और भव्य बनाया जा सके। नमस्कार जी, मैं हेमंत शर्मा, मैं सह संयोजक हिंदू जागरण मंच फाजिलका तरफों इस यात्रा वास्ते मैं सह संयोजक बनाया गया। इसकी मीटिंग का इसका परपज सीगा जी सारिया समाजिक संस्थावां ते धार्मिक संस्थावां जिथे बुलाईया सीगियां यात्रा नूं फाइनल रूप देने वास्ते, क्योंकि प्रचार असी आपदे आपदे लैवल ते सब ढंग नाल असी कर चुके हां, जिहदे विच सोशल मीडिया राही या बाजार दे विच जिहड़े पंपलेट वंड के या कोई जगह दे पोस्टर वगैरह लगा के असी अलग अलग तरीके नाल जिहड़े भी प्रचार के साधन होंगे उस सारे सोशल मीडिया तरफों अभी सब पासों कर चुके हैं। इस तो बाद रहन की व्यवस्था तो संख्या बल के उपर जोर देना, अज असी व्यवस्थावान कुछ एक असी ऑलरेडी बन चुके थे तो कुछ व्यवस्था जी समाज सूँ चाहिए सगियाँ वास्ते अ कोशिश करके तो समाज के जिम्मे असी कई काम लगाए हैं, जिद सू लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिता है कि कई ने तो अपने आपका हाथ उठा के सूँ कहा कि असी जी भी यात्रा के जो भी साइड सहयोग चाहिए होगा असं करा। तो उस दे नाल ही कुछ एक चीज़ों पर विचार किया गया कि शहर के बहुत सारिया थावां इहोजीआं ने जिथे भगवा ध्वज नहीं लग्या, उहदे वास्ते असीं टीमां गठित कीतीआं ने कि जिहड़ा भी कोई शहर का कोई हिस्सा रह गया उहनूं असीं अगले 4-5 दिनों में पूरे का पूरा कवर करिए। उस तो बाद अपने विचों कई विचार होर भी आए थे अलग अलग तरह के, उन्होंने विचारों पर अं सब ने मतलब विचार विमर्श किया तो उन्होंने मैक्सीमम मतलब कोशिश की कि इस यात्रा को आप सफल बना सकीए।